दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जो है बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए हैं, यानी कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर और बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को जो है चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। और कहने के नरेंद्र मोदी का ऐसा COVID-19 के बाद यानी कि लगभग एक साल के बाद ऐसा पहला दौरा है जो कि विदेश का दौरा है और वह यहां पर बांग्लादेश का उन्होंने किया है। तो बहुत सारे लोगों का यहां पर मानना है कि इस जो दौरा किया गया है बांग्लादेश का, तो इससे जो है दोनों ही देशों की जो संबंध है यानी कि बांग्लादेश और भारत की संबंध जो है मजबूत होने वाली है और दोनों देश का संबंध जो है चाहे वह किसी भी प्रकार से हो जाए, चाहे वह व्यापारिक हो जाए या फिर सुरक्षा के लिहाज से हो जाए या फिर किसी भी प्रकार से हो जाए, दोनों देशों की जो दोस्ती है, दोनों की जो रिलेशन है बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। लेकिन इसके अपोजिट दोस्तों बांग्लादेश के कई क्षेत्रों में जैसे कि ढाका हो गया और भी कई यूनिवर्सिटी में कई क्षेत्रों में जो है नरेंद्र मोदी के इस जो है दौरे के खिलाफ जो है पूरी तरीके से विरोध चल रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं तो बांग्लादेश की सरकार को नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश में नहीं बुलाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहना है इसी प्रोटेस्ट में जो है लगभग कई लोगों की जो है यहां पर घायल भी हो चुकी है। यानी कि जिस प्रकार से ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र जो है नरेंद्र मोदी के जो दौरा कर रहे हैं, जो किए हुए हैं, दौरा गए हुए हैं, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी, पुलिस और छात्रों के बीच जो है एक हिंसक झड़प हो गई जिसमें लगभग 14 से भी अधिक छात्र जो है पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। और दोस्तों यहां पर छात्रों का बस एक ही मानना है कि नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश में नहीं बुलाया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है एक प्रकार से सही नेता नहीं है और बांग्लादेश में अगर वह आएंगे तो बांग्लादेश को भी धीरे धीरे वह तबाह कर देंगे जिस प्रकार से हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं। दोस्तों मैं यह जो है एक न्यूज़ के हवाले से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ में ऐसा खबर आ रहा है और आए हुए हैं कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग, वहाँ के तमाम छात्र पूरी तरीके से इस दौरे का विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं इसका जो पूरा तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है वह मुस्लिम विरोधी है और कहने के मुस्लिम विरोधी होने के कारण ही जो है उसका जो पूरी तरीके से बहुत सारे लोग बांग्लादेश में विरोध कर रहे हैं। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है आना अभी पूरी तरीके से बाकी है। दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि कुछ लोग यहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं बांग्लादेश में, तो कुछ लोग यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आज जो है बांग्लादेश का जिस प्रकार से स्थापना हुई है, बांग्लादेश जिस प्रकार से एक नया देश का निर्माण हुआ है, तो वह जो है पूरी तरीके से भारत का ही देन है। अगर भारत यहाँ पर बांग्लादेश को आज़ाद नहीं करता तो अभी भी वह जो है पाकिस्तान का गुलाम ही बना रहता और कहीं ना कहीं गुलाम बना रहता और बांग्लादेश फिर पाकिस्तान के चंगुल से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाता और पाकिस्तान वहाँ के लोगों के ऊपर जिस प्रकार से पहले अत्याचार करता था उसी प्रकार से वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहता। तो बहुत सारे लोग यहाँ तक कह रहे थे और बहुत सारे लोगों का यहाँ तक था दोस्तों आज सोशल मीडिया पर कि जिस प्रकार से बांग्लादेश का दौरा कर रहा है अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इससे कहना है कि अगर इससे जो है दोनों देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरने वाली है और दोनों देश जो है आपस में बहुत सारे चीज़ों के डील भी करने वाला है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे लोगों का कहना था कि शायद भारत जो है बांग्लादेश को फ्री में वैक्सीन भी दे सकता है जो कि COVID-19 का है, क्योंकि भारत के पास जो खुद का स्वदेशी वैक्सीन मौजूद है और भारत जो है कई देशों को जो है वैक्सीन दे चुका है फ्री में। और कहीं ना कहीं यहाँ तक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर बांग्लादेश को भी अगर भारत फ्री में वैक्सीन देता है तो यह भी एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह दौरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है शेख मुजीबुर रहमान के जयंती के ऊपर ही भी नहीं है बल्कि दोनों देशों के रिश्ता को मजबूत करने के लिए भी किया गया है। और जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बांग्लादेश पहुंचा तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना भी जो है नरेंद्र मोदी के स्वागत में आए, उनको फूल दिया और कहने का उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, सम्मान किया। तो इसे देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी का ऐसा पहला दौरा था जो कि COVID-19 लगभग एक साल के बाद था, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पर विरोध भी कर रहा था। तो मेरा यही मानना है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है या फिर कोई व्यक्ति किसी जगह पर जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग उसका सपोर्ट भी करते हैं या फिर कुछ लोग वहाँ पर विरोध भी करते हैं, तो ऐसा जो है मामला होते रहता है, लेकिन इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश में विरोध हो रहा है तो क्या वह सही है या फिर गलत है? मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो गाइज़ बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।